चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का पहला वीडियो जो है ऑलरेडी आ चुका है और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड वीडियो, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम, या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी काम के प्रेजेंट टाइम में होने या करने या हो रहा है, हो चुका है या हो गया है या एक लंबे समय से होता रहा है, इस चीज़ का जब हमें पता चलता है तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर हम थोड़े बहुत इसके एग्जांपल देखें तो आई रीड अ बुक, सेकंड देखिए आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। थर्ड वन देखिए आई हैव रेड अ बुक, एंड फोर्थ आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस जो है वो किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट हम चलते हैं सबसे पहले इसके टाइप की तरफ। तो पहला देखिए प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस की फोर कैटेगरी है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रेजेंट टेंस की फोर कैटेगरीज को उसको डिवाइड किया गया है। अब हम वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका स्ट्रक्चर जानना कि प्रेजेंट का टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कैसा बन रहा है, ये सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी वन का मतलब यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं इसका यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो रूल नंबर वन हमारा है कि ये सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए, हैबिचुअल रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल या यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आई गो टू बेड एट 9 PM, ठीक है। सेकेंड देखिए शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है। थर्ड वन देखिए आई वर्क 10 hours अ डे, ठीक है। तो आई वर्क 10 hours अ डे, अभी 10 hour एक दिन में 10 घंटे काम करना जो है वो मेरी हैबिट हो सकती है, ओके। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, कि वो चाय लेती है वो भी कैसा विदाउट शुगर के। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो कि आपकी हैबिचुअल रेगुलर वर्क और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल नंबर वन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड जो रूल बोल रहा है हमारा, इसमें जनरली क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल देखिए यूनिवर्सल और परमानेंट एक्टिविटीज और प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कि इस नियम का, ये जो सेकंड रूल है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट एक्टिविटीज और प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन राइज हो रहा है कहाँ कहाँ से, ईस्ट से। वाटर बॉइल्स एट 100°C, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस ऐसे थे जो यूनिवर्सल ट्रुथ थे, एक प्रिंसिपल था, ठीक है, परमानेंट एक्टिविटीज जो होती हैं। तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से रूल वन एंड रूल टू ने एक वर्क किया। अब हम चलते हैं इसका सीधे रूल नंबर 4 3 की तरफ।
तो रूल नंबर 3 जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि इस टेंस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, पोजेशन। पोजेशन होता है अधिकार को बताने के लिए किया जाता है, और अधिकार कैसा कि आई हैव अ कार, ठीक है। ये सेकंड देखिए, ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग। तो जब हम पोजेशन जैसे शब्दों का या वर्ड का इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में करते हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, तो रूल नंबर 4 बोल रहा है कि इस टेंस का प्रयोग हम मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल, वी बिलीव इन गॉड, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, आई कंसिडर दैट ही इज अ गुड सिंगर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि इस टेंस के जरिए हम अपनी मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये रूल नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम सीधा रूल नंबर 5 की तरफ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है वो आने वाले समय में जो हमारा फिक्स प्रोग्राम होता है या फिक्स प्लानिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, फिक्स प्रोग्राम एंड फिक्स प्लानिंग। तो कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। द स्कूल रीओपन इन अक्टूबर, कि स्कूल हमारा रीओपन कब होगा, अक्टूबर में। एंड ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो इसके जरिए एक चीज़ हमारे को और पता लगती है और वो है फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो अगर हमें अपना फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर टाइमिंग या आने वाला जो हमारा हो सकता है बर्थडे हो या किसी फ्रेंड का बर्थडे हो, सिस्टर की मैरिज, ब्रदर की मैरिज, तो अगर हम फ्यूचर में की बात कर रहे हैं तो वो बात भी हमारी किस में हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए आते हैं हम अपने रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 जो है वो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए, कि एक सेंटेंस जो है जब सबॉर्डिनेट क्लॉज से शुरू होता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसके लिए मैं बाद में एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर हमारा कोई सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज से शुरू हो रहा है, जैसे इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट, तो यहाँ पर जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज का यूज़ किया गया है। आगे भी लिखा है यू विल विन द रेस, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। तो ये यू विल विन द रेस जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसके बारे में जो है हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 6 बोल रहा है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज का से जब कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज से जब कोई सेंटेंस हमारा शुरू होता है, जैसे इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इस तरह से, तो भी उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 7 बोल रहा है कि हेयर और देयर से, हेयर और देयर से, ये हेयर और देयर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इनसे अगर हमारे सेंटेंस शुरू हो रहे, स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है हेयर कम्स द बस एंड देयर गोज द बस, यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इस्तेमाल किया गया है। अब आते हम सीधे इसके रूल नंबर 8 की तरफ। तो रूल नंबर 8 क्या लिखा है मैंने, लाइव कमेंट्री, कि अगर हमने आंखों देखा कोई हाल किसी भी मैच का, आयोजन का, कार्यक्रम का, नाटक का, फिल्म का, सीरियल का, कहीं पर भी आप लाइव कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाह रहे हो, तो उसको बताने के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करोगे। यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सचिन रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड, ठीक है, थ्रो इट ऑन द स्टम्प्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमें लाइव कमेंट्री करनी है या आंखों देखा
कोई हाल आपको बताना है तो हम रूल नंबर 8 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो भी हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आते हम अपने रूल नंबर 9 की तरफ। तो रूल नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि अगर किसी ऑथर की स्टेटमेंट, ठीक है, उसकी उसने जो वाक्य बोले, उसने जो कथन बोले, उसने जो स्टेटमेंट बोली है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो यहाँ पर शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, ठीक है। तो यहाँ पर शेक्सपियर एक ऑथर है और उन्होंने जो सेंटेंस या जो चीज़ें बोली है, जो स्टेटमेंट बोली है, उसको उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 मतलब हिस्ट्री के पास्ट इवेंट या फिर इतिहास में जो बीती हुई घटनाएं होती है उनको फिर से ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए या बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावणा, तो और राम जी ने अभी रावण को नहीं मारा था या मारा है, वो बहुत पुरानी घटना है, लेकिन जब इस चीज़ को हम अभी पास्ट की इस बीती हुई घटना को हम अभी किसी को जीवंत होकर बताते हैं तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये 10 रूल्स आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं है तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को चेक कर लीजिए। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो मेरा वीडियो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।